तो 9 सीटों पर जीत का दावा दोनों पक्षों का है, लेकिन किस आधार पर तय है कि जीत उसी की होगी जिसका नैरेटिव जनता के बीच पहुंच पाया। लेकिन पार्टियों के अपने दावे हैं और आधार भी हैं, वो दिखाते हैं हम आपको। देखिए, एनडीए और इंडिया में हार्डकोर हिंदुत्व और जीरो टॉलरेंस यहां पर मुद्दा बना, उधर आरक्षण और संविधान मुद्दा बनाया। हालांकि आरक्षण और संविधान की बात जब आती है तो इस आधार पर विपक्ष को लोकसभा चुनाव में यूपी में जो बढ़त मिली उसकी असल परीक्षा होगी, क्योंकि बीजेपी ये कहती रही है कि जनता समझ चुकी है, विपक्ष का झूठ सामने आ चुका है, ना आरक्षण खत्म हुआ ना संविधान। तो इस नैरेटिव की असल परीक्षा ये कहा जाए इस बार इस उपचुनाव होगी तो गलत नहीं होगा। दूसरा, सहयोगियों से तालमेल बनाने की कोशिश, तो उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एकजुटता और दोनों ओर से ऑल इज वेल दिखाया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस का वोट क्या समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर होगा, ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं पहुंचा। दूसरी ओर अपना दल निषाद पार्टी, सुभाषपा, ऐसे तमाम दलों का वोट भी बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, इसका भी जवाब मिलेगा। इसके अलावा देखिए तीसरी बात, हिंदुत्व से पीडीए को जोड़ने की कोशिश, तो उधर पीडीए के साथ साथ अगड़ों पर फोकस है, यानी दोनों ओर लड़ाई पीडीए की ही चल रही है। फर्क बस ये है कि एक पक्ष हिंदू एकता के नाम पर तो दूसरा पिछड़ों दलितों के नाम पर वोट मांग रहा है। और इसके अलावा ओबीसी वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश हो रही है इधर, तो उधर हर मोर्चे पर कोऑर्डिनेशन बनाने की पहल है। ये वो तमाम चुनौतियां और आधार है जिसके बूते यूपी का सत्ताधीश बनने की लड़ाई परवान चढ़ रही है। हालांकि दोनों ही धड़ों के लिए सफलता की राह में कई दूसरी पार्टियां रोड़ा बनकर खड़ी हैं, जिनकी मौजूदगी किसी का समीकरण बिगाड़ सकती है तो किसी का बना। बीएसपी, आसपा, एमआईएम, इनकी भूमिका किन सीटों पर अहम रहने वाली है और उपचुनाव में कितना बड़ा फैक्टर ये साबित होंगे, देखिए। यूपी उपचुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच माना जा रहा है, लेकिन इसी बीच तीसरे मोर्चे के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल के मैदान में कूदने से योगी अखिलेश दोनों की राहें मुश्किल हो सकती है। दरअसल 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पीडीएम ने 3 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारे। कुंदर की सीट गठबंधन के तहत AIMIM के पास गई है और AIMIM ने यहां से मोहम्मद वारिस को उम्मीदवार घोषित किया। इसके साथ ही मीरापुर सीट से AIMIM ने अर्शद राणा को मैदान में उतारा, जबकि मझुआ सीट पीडीएम के सहयोगी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के हिस्से में गई। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने मझुआ सीट से स्वयंबर पाल को कैंडिडेट घोषित किया। बता दें कि जब पीडीएम यानी पिछड़ा दलित और मुसलमान की स्थापना की गई थी, तब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने भी साथ दिया था। इस गठबंधन में दोनों ही मुख्य भूमिका में थे। यूपी की राजनीति में पीडीएम की इसलिए भी चर्चा है क्योंकि इसे अखिलेश यादव के पीडीए के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। ये पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें बसपा भी चुनाव लड़ रही है, AIMIM भी चुनाव लड़ रही है, जो पीडीएम अलायंस उनका है उत्तर प्रदेश की सोनेलाल कमेरावादी पार्टी के साथ, आजाद समाज पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, तो एक समीकरण भिन्न किस्म का बन रहा है और इसमें जो जातियों का सांचा है और जो खांचा है दोनों प्रभावित हुए हैं। तो तीसरा जो कोण है इस चुनाव का, सपा और बीजेपी अलायंस के बीच में जो तीसरा कोण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई सीटों पर इस कोण की जो के कारण समीकरण बिगड़ते बनते नजर आएंगे। अब यूपी की कुंदर की सीट को ही ले लीजिए। कुंदर की सीट पर 3 दशक से तुर्क नेताओं का कब्जा रहा। समाजवादी पार्टी के अलावा बीएसपी और AIMIM ने यहां तुर्क कैंडिडेट उतारे। तमाम सियासी समीकरण 2 दिन पहले तक बीजेपी को मजबूत बता रहे थे, लेकिन अब मुकाबला 50-50 पर आकर टिक गया है। 60% मुस्लिम वोटर वाली इस सीट पर 12 प्रत्याशियों के लिए वोटिंग होगी। बीजेपी ने ठाकुर रामवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया। समाजवादी पार्टी ने 3 बार विधायक रह चुके हाजी रिजवान पर भरोसा जताया। वहीं बीएसपी ने रफत उल्लाह को टिकट दिया। रामवीर सिंह पहली जीत की तलाश में हैं, वहीं हाजी रिजवान चौथी बार। समाजवादी पार्टी ने यहां बीजेपी पर माइक्रो मैनेजमेंट का आरोप लगाया। कुंदरकी में समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में रही क्योंकि उसे मुस्लिम वोटों का लाभ मिलता रहा, लेकिन इस बार कई मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में होने की वजह से समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं अगर AIMIM की बात करें तो तेलंगाना को छोड़कर बाकी राज्यों में ओवैसी की पार्टी की छवि एक वोट कटुआ पार्टी की रही। हालांकि अगर उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी से ज्यादा डेंट ओवैसी इंडिया गठबंधन को पहुंचा सकते हैं।
समाजवादी पार्टी में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ताकत है कि वो भाजपा को शिकस्त दे सकें। इसीलिए हम अपील करते हैं ख़ास तौर से मुसलमानों से कि अपने वोट को ज़ाय होने ना दें। जो लोग ये सब बातें करते हैं, मुसलमानों को ख़ास तौर से सोचना चाहिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएं, और उसकी ज़रूरत है आज भारत में। इस बार सभी सीट पर चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी का कोई भी बड़ा नेता प्रचार अभियान में नहीं दिखा। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल अपनी पार्टी की तरफ से अकेले ऐसे नेता थे जो इस उपचुनाव में पार्टी की तरफ से प्रचार और चुनावी तैयारियों के लिए लगातार काम करते रहे। बीएसपी चीफ मायावती 9 की 9 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट पर अपने किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार के लिए मैदान में नहीं उतरी। इससे एक आशंका दलित वोट बैंक के कट्टे की है, जिसका सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन को हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे कटोगे के नारे पर उनकी ही सरकार के मंत्रिमंडल में मतभेद नजर आ रहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस नारे से किनारा करने के बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री के इस नारे का समर्थन किया। पार्टी नेताओं के आपसी मतभेद भी बीजेपी के लिए 9 सीटों पर जीत हासिल करने के इरादे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए यूपी उपचुनाव में 9 सीटों के भीषण रण में तीसरे मोर्चे के दलों पर भी सबकी निगाहें होंगी। वो कुछ सीटें अपने खाते में करते हैं या फिर सिर्फ वोट कटवा ही साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।